हेलो फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं करेले की सब्जी। करेले आलू की सब्जी, ये कड़वी बिल्कुल नहीं बनती है, बहुत ही टेस्टी बनती है और बहुत शानदार सब्जी बनती है। चलिए देखते हैं। मैंने लिए हैं करेले आलू काट के। करेले को मैंने लंबा पतला काटा हुआ है, अलग तरीके से काटा हुआ है, देख लेना आप अच्छे से। ये मैंने प्याज भी घिस लिए है। आलू और करेलों में धो लूँगी। करेले को मैं थोड़ा सा उबाल लूँगी, नमक डाल के उबालेंगे 2 मिनट तक, जैसे कड़वाहट निकल जाए। बहुत ही अच्छी सब्जी बनती है, उबाल के बनाएं, ये तरीका बहुत ही अच्छा है। आलू भी हम ना थोड़े से फ्राई कर लेंगे, कच्चे आलूओं को फ्राई करना है। आलू में थोड़ा सा नमक डाल के फ्राई करें ताकि ये गल जाएं। आलू भी मैं निकाल लूँगी अभी। आलू मैंने निकाल लिए हैं। अब मैं इसमें ये प्याज भूनूंगी। प्याज मैंने थोड़े से तेल में डाल ली है। प्याज को बीच बीच में चलाते हुए भूनना है, गोल्डन ब्राउन होने तक भूनना है प्याज को। ये मसाले मैंने साबुत धनिया, मिर्ची, सौंफ, हींग ये सब मैंने पीस लिया है। टमाटर, मिर्ची, अदरक और ये लहसुन भी मैंने इसी में थोड़ा पीस के डाल दिया था, इसी में रख दिया था। और भूनेंगे इसको, टमाटर को। और ये मैंने दही और मलाई डाली है। मैंने दही मलाई दोनों डाले, बहुत इससे है ना रिच टेस्ट आता है, बहुत शानदार लगती है। पानी भी डाल दिया है, पानी डाल लें ज़रूर, ये तो मसाला जल जाएगा। और ये कलछी से ज़रूर चलाएं, टमाटर गल जाएं, जैसे मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएं। ये मैंने है ना सब्जियां डाल दी हैं, आलू और ये करेला मैंने डाल दिया। थोड़ा सा पानी फिर जाएगा इसमें, थोड़ा पानी डाल देंगे और ढक देंगे। सब्जी हमारी 2-3 मिनट में तैयार हो जाएगी। गरम मसाला, हरा धनिया डाल के सर्व करेंगे। सब्जी हमारी बन चुकी है, बन चुकी हमारी सब्जी, बहुत ही टेस्टी सब्जी बनी है। ये मैं आपको दिखाती हूँ। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें।